वृत्तियों में बड़ी ताकत होती है। वृत्ति पर चलने का मतलब होता है कि तुम्हारी चेतना अब बिल्कुल ही सो गई। जब चेतना बिल्कुल ही सो जाती है तो मन से सारे संशय मिट जाते हैं, क्योंकि संशय तो चैतन्य मन में ही उठेंगे ना। जब तुम पूरे ही तरीके से अपनी चेतना को दबा देते हो तब तुम्हारे सामने ऊर्जा का बड़ा भंडार खुल जाता है, लेकिन ये ऊर्जा बंधी ऊर्जा होगी, ये उसी रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर इसको वृत्ति लेकर के जाएगी, और कोई सवाल नहीं करेगी। सवाल तो प्रेरणा को और संकल्प को क्षीण करते हैं ना। तुम कुछ करने जा रहे हो और तुम्हारे मन में सवाल उठने लगे तो तुम्हारी गति कम हो जाएगी, तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। जिसने अपनी चेतना को बिल्कुल सुला दिया हो उसको कोई शक शुभा नहीं बचता, उसके पास अब एक तयशुदा और पक्की धारणा बस है। और जिसके पास बस एक धारणा बची है वो भी समझो एकनिष्ठ हो गया। तो अध्यात्म का जो परम लक्ष्य है एकनिष्ठ हो जाना, वो परम लक्ष्य एक बड़े कुत्सित तरीके से भी मानो पाया जा सकता हो। ऊंची से ऊंची अवस्था का योगी एकनिष्ठ हो जाता है ना, वो कहता है कि अब मेरा एक ही है। कौन? वो जो बीच का संसारी होता है वो एकनिष्ठ नहीं होता, वो अनेकनिष्ठ होता है। वो थोड़ा इसकी तरफ जाता है, थोड़ा इसकी तरफ जाता है, थोड़ा इसमें निष्ठा रखता है, थोड़ा इसमें निष्ठा रखता है। उसकी प्रेरणा, उसका विश्वास, उसका जीवन, उसकी दिशा, उसकी ऊर्जा, सब 50 जगह बटे हुए रहते हैं। फिर संसारी से भी निचले तल का जो मन होता है वो भी एकनिष्ठ हो जाता है। अब उसकी निष्ठा किस दिशा की ओर है? उसकी निष्ठा बिल्कुल उसकी वृत्ति की दिशा की ओर है, पर है वो भी एकनिष्ठ है, वो भी एकनिष्ठ। और जहां एकनिष्ठा है वहां पर बल तो आ ही जाता है। बस योगी की जो एक निष्ठा होती है वो उसे आनंद और मुक्ति दिलाती है, और चैतन्यहीन मन की जो एक निष्ठा होती है वो उसको और सारे संसार को कष्ट दिलाती है। ये बहुत बार होता है कि धर्म तुमको दुनिया भर के तमाम विक्षेपों से तो काट दे, लेकिन दुनिया से काट कर वो तुमको दुनिया से उठाए नहीं, बल्कि दुनिया के तल से भी और नीचे पाताल में गिरा दे। और ये तो तुम जानते ही हो कि दुनिया से ऊपर जो रहते हैं उन्हें कहते हैं देवता, और दुनिया से नीचे पाताल में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं दानव, बीच में जो रहते हैं वो कहलाते हैं मानव। मानव ही है बेचारे जिनकी ताकत थोड़ी सी होती है, सीमित होती है। तुम मानव से ऊपर उठ जाओ, देवता हो जाओ, तुम्हारे पास बहुत बल आ जाएगा। और अगर तुम मानव होने से भी नीचे गिर जाओ, गर्त में, पाताल में पहुंच जाओ, तो भी तुम्हारे पास बहुत बल आ जाएगा। अब तुम दानव हो गए। दानवों में इतना बल आ जाता है कि वो देवताओं को टक्कर दे देते हैं। ये तुम पे निर्भर करता है, उठना चाहते हो या गिरना चाहते हो। बल उठ के भी मिलता है, बल गिर के भी मिलता है। हां, मुक्ति सिर्फ उठकर मिलती है। इसीलिए अगर तुम बल की आकांक्षी हो तो उठ भी सकते हो, गिर भी सकते हो, बल दोनों ही दिशाओं में मिल जाएगा। मुक्ति चाहिए तो उठना पड़ेगा।